नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप टेलीग्राम बॉट को किसी भी ग्रुप में या फिर चैनल में कैसे ऐड करके उसे ऑटो पोस्टिंग करवा सकते हैं या फिर उसे हम शेड्यूल पोस्ट पे सेट कर सकते हैं। तो आज उसी के इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला है और आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ कि इसे कैसे सेट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट कर रहे थे, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर रहे थे कि प्लीज़ ऐसा कोई बॉट बनाओ और बताओ कि इसे ऑटो पोस्ट या शेड्यूल पोस्ट पे कैसे सेट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा टेलीग्राम में। यहाँ पे आने के बाद एक आप बॉट बनाइए। आपको अगर नहीं पता कि बॉट कैसे बनाया जाता है तो मैंने इसके बारे में एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन आ जाता है बहुत सारे कि आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग पे जाने के बाद इसके ऑप्शन आ रहा होगा चैनल, इस पर क्लिक कीजिए, ऐड चैनल पे क्लिक कीजिए। ऐड चैनल के बाद दोस्तों आप यहाँ पे उस यूजर नेम को पेस्ट करने होंगे, लेकिन इससे सबसे पहले आपको एक नॉर्मली तरीका बता देता हूँ। आप यहाँ पे जाइए, आप अपना बॉट की यूजर नेम जो है, इसे यूजर नेम कहा जाता है, इसे यूजर नेम जो कॉपी कर दीजिए। आप उस चैनल में जाइए जहाँ आप ऑटो पोस्टिंग करवाना चाहते हैं। मैंने एक नॉर्मली बनाया हुआ है ये चैनल, ये ग्रुप है, या हम इसे ग्रुप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको चैनल के बारे में बताता हूँ, ये प्रोसेस सेम है ग्रुप में और चैनल में, ठीक है। अब इस चैनल में आने के बाद आपको क्या करना होगा, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लिखा होगा, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप उस बॉट की यूजर नेम जो आपने कॉपी किया है उसे पेस्ट कर दीजिए। दोस्तों ये ध्यान रखिए, आप उसी चैनल में या ग्रुप में इसे ऐड कीजिए जहाँ आप ऑटो पोस्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आने के बाद ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे कई तीन चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसे सारे में टिक करने होंगे। अगर नीचे वाले ना भी करो तो कोई बात नहीं, पर इन पांच को पांच में आपको टिक करने की बहुत ज़रूरी है ताकि आपके इसे एडमिनिस्ट्रेटर की मतलब परमिशन दे सकते हैं कि ताकि ये ऑटो पोस्ट कर सकते हैं। इसे एडमिन बनाना बहुत ज़रूरी है ऑटो पोस्ट करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे करने के बाद ये जो है ये एक एडमिन बन चुका है। हम लोगों ने सिर्फ एक इस नाम से ये जो चैनल है वो क्रिएट किया है, इस नाम, ये मेरा ही नाम है इस पे भी, ठीक है, ये इस नाम से मेरा है आईडी है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने इस चैनल में जो है बॉट को ऐड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं ये एक बॉट है। हमने इस पर एडमिनिस्ट्रेशन पावर दे दिया है, मतलब कि एडमिन बना चुके हैं हम। आप चैनल के यूजर नेम कॉपी कीजिए और उस बॉट में जाइए और इस पे बॉट में यूजर नेम जो है आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, चैनल की यूजर नेम इसमें पेस्ट कीजिए। यहाँ पे आने के बाद, इसे पेस्ट करने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक पेस्ट कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे चैनल में ऐड कर चुके हैं बॉट को। तो हम इसमें डायरेक्ट सेंड टेस्ट पर क्लिक कीजिए। ये चेक करेगा कि आप ये जो बॉट है वो ऑलरेडी वहाँ हो चुका है या नहीं हुआ है, मतलब ऐड हो चुका है या नहीं हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैसेज आ गया है, पावर बाय मैनी बॉट्स इस तरह से आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे आने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे चैनल भी देख सकते हैं कि कनेक्टेड चैनल है, ये मेरा ये चैनल है अभी जो मैंने बनाया है एक नवा आपको दिखाने के लिए कि इसे कैसे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आप इसके एक सेटिंग करने होंगे, आपको चैनल तो अपने ऐड कर चुके हैं लेकिन इस पर एक सेटिंग करने होंगे, वो है टाइम जोन। यहाँ पे आप टाइम जोन सेट कीजिए, आप अपने मोबाइल के हिसाब से कीजिए इसे। तो इस पर मोबाइल पे अभी मेरा हो रहा है 31 पे, 31 कर देता हूँ। उसके बाद आप इसमें दोस्तों पीएम करना मत भूलिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा ये, ठीक है। उसके बाद ओके कर देते हैं, ओके गो बैक। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों ये हो चुका है, टाइम जोन भी सेट हो गया है और हम लोगों ने चैनल भी ऐड कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे मेन मेनू पे वापस आते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये आपके दिखा देता हूँ कि इसे कैसे काम कैसे होता है। मैं चाहता हूँ कि कोई अभी मैं सब्सक्राइबर को कोई पोस्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपको करना होगा यहाँ पे सेंड न्यू पोस्ट टू सब्सक्राइबर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे करने के बाद आपको कोई भी पोस्ट अभी जो भी चाहते हैं, मैं ये एक्ट्रेस का फोटो भेज देता हूँ। अभी ये फ़ोटो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल में ये ऑटोमेटिकली पोस्ट कर दे इस चैनल में, तो मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ी देर अभी ये पोस्ट करे। तो मैं इसे क्या करूँगा, इसे सेंड पोस्ट टू सब्सक्राइबर पे क्लिक कर दूँगा। ये अभी ये ऑटोमेटिकली पोस्ट कर देगा, इसके लिए थोड़ा टाइम ले देगा, जैसे कि 5 से 10 सेकेंड, 15 सेकेंड ये टाइम ले लेता है। ये आपके इंटरनेट पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी आ चुका है, अब हम चैनल में भी देखेंगे तो ये आ चुका है, चैनल में भी आ चुका है।
इस तरह से। ये तो हो गया एक नॉर्मल पोस्ट करने के लिए। अगर आपको करना है कि शेड्यूल पोस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़े देर बाद ये पोस्ट हो, तो इसे इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी आपको यही ऑप्शन तरीके है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, सेंड न्यू पोस्ट टू सब्सक्राइबर कीजिए, यहाँ पे कोई भी फोटो लीजिए, उसके बाद आप जितना चाहें उतना फ़ोटो आप इस पर भेज सकते हैं। फ़ोटो ही नहीं, आप जो चाहे इस पर भेज सकते हैं, जिस तरह से नॉर्मली भेजा जाता है इस तरह से आप भेज सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको शेड्यूल पोस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़े देर बाद पोस्ट हो, तो आप इस पर शेड्यूल पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल पोस्ट पे क्लिक कीजिए, आप ये पूछ रहा है कि कब आप पोस्ट करना चाहते हैं, इस पर काफ़ी दिन होता है। अगर आप चाहते हैं जैसे एन अदर डे, जैसे पूरे एक साल के पूरे दिन होता है, पूरे महीना होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी पोस्ट हो थोड़ी देर बाद, तो इस तरह से टुडे पे क्लिक कर दूँगा। आप इस पर टाइम देना पड़ेगा कि कितने बजे ये पोस्ट हो, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये अब हो रहा है 12, मैं चाहता हूँ कि 33:34 में पोस्ट हो, ठीक है। ये थोड़ा टाइम ले लेता है दोस्तों, मैं आपको पहले बताया है। इसके बाद ये सेव कर दीजिए, ये आप इस आप कितने ये 12:34 में ऑटोमेटिक ये पोस्ट हो जाएगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये शेड्यूल पोस्ट हो गया दोस्तों। इस पर ऑटो पोस्टिंग कैसे करते हैं, ये भी लोगों ने मुझे बहुत सारे पूछे थे कि ऑटो पोस्टिंग कैसे करते हैं। इसके लिए भी दोस्तों आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे सेटिंग पे आने के बाद, सेटिंग पे आने के बाद दोस्तों यहाँ ऑटो पोस्टिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये भी यहाँ पे आप ये भी सेट कर सकते हैं। इसे सेट कैसे करते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ, फिर अभी करके दिखा देता हूँ, मतलब बता देता हूँ, क्योंकि मैं अभी करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरा इंटरनेट नेटवर्क भी थोड़ा स्लो है। तो अगर आप यूट्यूबर हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर यूट्यूब है तो आप इस पर क्लिक कीजिए और आपके यूट्यूब का जो चैनल है उसे URL यहाँ आके पेस्ट कर दीजिए, यूजर URL जैसे कि होता है ना चैनल की URL यहाँ आके पेस्ट कर दीजिए, और ये ऑटोमेटिकली जैसे आप पेस्ट करेंगे यहाँ पे तो ये ऐड हो जाएगा इस पर। इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो ये इस पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है, या फिर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक ऑटो पोस्टिंग के हम लोगों ने अभी किया था, इसी तरह से एक पोस्ट आ जाता है यहाँ पे। ये पोस्ट ये बोर्ड जहाँ जहाँ ऐड है, जिस जिस ग्रुप में ऐड है वहाँ वहाँ पोस्ट कर देगा, एक ही ये फ़ायदा होता है। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ट्विटर की है, BKRSS, तो ये सब बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ट्विटर के IMSR के ऐसा कुछ लिखा है, इसमें SRK की मैंने वो दिया हुआ है लिंक। अब कोई भी अगर SRK अगर कोई भी अगर ट्विट करता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता है, इस तरह से होगा ये काम करता है यहाँ पे। और वो भी 3-4 ऑप्शन है जो आप इसे कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर है तो आपके लिए बेस्ट है ये अपने सब्सक्राइबर को भेजने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये बोर्ड बना चुके हैं, अगर आप बहुत सारे आपके चैनल में या ग्रुप में मेंबर्स हैं, तो आप इस बोर्ड को ऐड करके आप अपना ग्रुप के कोई भी लिंक, यानी कि आप अपना जैसे कि यूट्यूब का लिंक, आपने वीडियो अपलोड किया तो इन लोगों को आप ये भेज सकते हैं लिंक, और उनके व्यूवर्स आप पा सकते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे आप पैसे भी कमा सकते हैं। इस तरह बहुत सारे लोगों के टेलीग्राम पे बोर्ड ग्रुप बनाए हुए हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, चैनल बनाए हुए हैं, जिसके मदद से वो लोग काफ़ी सारे बिटकॉइंस वगैरह कमा सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। क्या होगा कि अब जितने अगर आपके अगर 1000 से भी ज़्यादा है जितने मेम्बर्स होंगे उतने व्यूज़ आपको मिलेंगे, और इससे क्या होगा आपके जो कॉइन्स है वो भी बढ़ता रहेगा। फिलहाल तो इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा नहीं बताता, क्योंकि ये काफ़ी ये आपके आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि इसे कैसे पैसे कमाते हैं और भी कई तरीके से। फिलहाल दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि इसे कैसे ऑटो पोस्टिंग पे सेट करते हैं। अगर आपको नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, पूछिए, अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, उसका यूजर नेम भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।